अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको शाद और आबाद रखे और जो भी मुसलमान परेशान हैं उन सब की परेशानियां दूर फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ इस्लामाबाद के ट्रिप का पार्ट टू। इसमें हम किस जगह को विज़िट करेंगे उसको बताने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, आप हमारे लास्ट ट्रिप की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें आप देख सकेंगे बहुत ही खूबसूरत जगहें। उसमें फैसल मस्जिद और मार्गेला हिल्स के खूबसूरत मनाजिर भी हैं और साथ ही साथ मोनाल रेस्टोरेंट से नज़र आने वाला इस्लामाबाद का प्यारा सा व्यू भी देख सकेंगे उसमें। और ये हम मोनाल रेस्टोरेंट से वापस आ रहे थे तो रास्ते में हम ज़ू के पास भी रुके, लेकिन फिर पता चला कि ज़ू तो बंद है इसलिए हम ज़ू में नहीं जा सके। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं इस्लामाबाद शक्करपरिया में मौजूद एक म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम बहुत ही तारीखी हैसियत का हामिल है। इस म्यूज़ियम का नाम है लोक विरसा हेरिटेज म्यूज़ियम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेडिशनल चीज़ों की नुमाइंदगी की गई है, तो आइए इसकी सैर करना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ रहिएगा। जिस तरह पहले के दौर में कुएं से पानी निकाला जाता था, तो देखिए यहाँ पे भी एक कुआं मौजूद है। यहाँ पे गांव की तरह का मंजर पेश किया गया है। ये एक बाबा जी चारपे पे बैठ के हुक्का पी रहे हैं और पीछे एक बैल का मॉडल है जो कि गांव वगैरह में हल चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि और इस म्यूज़ियम में क्या क्या है। और ये देखिए, ये भी बिल्कुल रियल लग रहा है ना, लेकिन ये मॉडल है। ये दो बैल और किसान हल चलाने की तैयारी में खड़े हैं। और अब मैं आपको कश्ती का मॉडल दिखाती हूँ। ये मॉडल भी पुराने ज़माने का मंज़र पेश कर रहा है। जैसे औरत खाना पका रही है, हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। और लगता ही नहीं कि ये मॉडल हैं, ये तो बिल्कुल रियल लग रहे थे। और यहाँ पे एक बड़ा ट्रक भी है जो कि एक ट्रेडिशनल लुक दे रहा है। और यहाँ पे पुराने ज़माने के कुछ दरवाजे भी हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ।
लोकवृषा म्यूजियम में एक बाजार भी है, इसका नाम आर्टिजन बाजार है। तो म्यूजियम में एंटर होने से पहले इस बाजार की भी सैर कर लेते हैं। ये आ गई है शॉप नंबर 1। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े और कपड़ों के बहुत ही प्यारे डिजाइन्स हैं। आइए चलते हैं शॉप नंबर 2 में। यहाँ पे काफी ट्रेडिशनल चीजें हैं और बहुत प्यारी भी हैं। ये एक और शॉप है, यहाँ पे हाथ से बनी हुई मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें हैं। और यहाँ पे लकड़ी से बनी हुई मुख्तलिफ तरह की प्यारी प्यारी चीजें भी मौजूद हैं। फैसल मस्जिद का मॉडल, बादशाही मस्जिद का मॉडल, ये देखो ना क्या जन की तस्वीर बना रहे हैं, पहले खास बनाइए 1896 की। ये बाबा गुरु नानक जी फिर मेरे लिए देखो ये जयपुर शक्ति से सारे, ये भी वो भी वो और पीछे सारे के देखो छोटे छोटे स्तंभ बनाए हुए हैं देखो। और देखिए लकड़ी से बनी हुई कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लकड़ी के पेन और ये बटरफ्लाई भी बहुत खूबसूरत लग रही है। फैसल मस्जिद का मॉडल, बादशाही मस्जिद का मॉडल और वाघा बॉर्डर का मॉडल। और यहाँ पे लकड़ी के ज्वेलरी बॉक्स भी हैं।
यहाँ आप देख रहे हैं कि पुराने ज़माने की तस्वीर कशी की गई है और कुएं से पानी निकालते हुए दिखाया जा रहा है। और अब हम मौजूद हैं एक शॉप में। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स और शर्ट्स मौजूद हैं। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट शॉप में। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कलर के रंग बिरंगे एम्ब्रॉयडर्ड बैग मौजूद हैं। आपके एलसीडी है ना, वहाँ लगा कर रखे हैं लैपटॉप के साथ, इसके रेंज पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ बर्तन भी हैं। अब हम अगली शॉप में आ गए हैं। यहाँ पे तिनकों से बनाई गई कलरफुल और डिफरेंट चीज़ें हैं और ये सब हाथ से बनाई गई हैं। यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे साइज की चारपाइयाँ बनाई गई हैं। बच्चों के लिए खूबसूरत टॉयज भी हैं जो कि तिनकों से बने हुए हैं, और ये चेयर्स भी बच्चों के लिए ही हैं। ये तो था म्यूजियम के बाहर एक छोटा सा बाजार। अब हम म्यूजियम में एंटर होंगे। म्यूजियम के अंदर भी डिफरेंट किस्म के शॉप्स मौजूद हैं, तो आइए अंदर चलते हैं। ये वो टोपियां जो पहले पहने पहले ऐसे जो भी यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सकाफत दिखाई गई है। और ये है मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोगों का एक अंदाज। इस म्यूजियम का पहला नाम फोर्ट आर्ट हुआ करता था। ये बहुत ही बड़ा म्यूजियम है और ये 1982 में बना था। इसमें मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के साथ साथ और भी कंट्रीज के ट्रेडिशन और कल्चर्स दिखाए गए हैं इसमें।
इस म्यूज़ियम को बनाने का मकसद ये था कि आइंदा आने वाले लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चल सके। आप भी जब इस्लामाबाद आए तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। नई नई चीज़ें हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते जाइए। और ये आ गए हैं पुराने ज़माने की तलवारें, चराग, जूते, और ये हैं पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले जूते। और अब देखिए डिफरेंट स्टाइल के वो कपड़े जो लोग पुराने ज़माने में पहना करते थे। और ये हैं गंधारा तहजीब के कुछ मॉडल्स। देखिए इस टाइप के कुछ बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे कुछ पत्थर भी रखे हुए हैं। अब जो मैं आपको चीज़ें दिखाने वाली हूँ वो चाइना के कल्चर से ताल्लुक रखती हैं। देखिए डिफरेंट तरह के गुलदान, कपड़े वगैरह। और ये अब आ गया है गांव का एक मंजर। ये उन आदमियों का मॉडल बनाया गया है जिनकी टोकरी में सांप होते हैं। और ये एक घर का मॉडल दिखाया गया है जहाँ पे औरत अपने बच्चे को झूले दे रही है।
और यहाँ पे बहुत से असल जानवर ऐसे हैं जिनको स्टफ करके रखा गया है। और यहाँ पे एक माई है जो कुएं से पानी निकाल रही है और पीछे मिट्टी का चूल्हा और किचन का सारा सेटअप हुआ है। और ये है कनपुतली के तमाशे का एक मॉडल। अब हम देखते हैं सहराए चोलिस्तान के रहने वाले कुछ लोग। देखिए ये एक शादी का मंजर बनाया हुआ है और वो चारपाई पे दुल्हन बैठी हुई है और साथ ही इनके कमरे को भी सजाया गया है। ये मंचर झील सिंध की एक कश्ती का मंजर दिखाया गया है। अब हम ईरान की कुछ सकाफत देख लेते हैं। देखिए छत का कितना प्यारा सा व्यू है। Thank you.
ये वाला तो मॉडल नहीं बिल्कुल असली इंसान लग रहा था। इसके हाथ की झुड़ियां सब कुछ देख के लग ही नहीं रहा था कि ये मॉडल है। अब देखते हैं कोहिस्तान कागान का कल्चर। और ये आ गया है तुर्की का कल्चर। और ये जो कल्चर अब आप देख रहे हैं ये सऊदी अरेबिया का कल्चर है। और अभी आप देख रहे हैं आजाद कश्मीर का कल्चर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी एक और बहुत ही प्यारी सी जगह के साथ। और जाते जाते फिर याद दिलाती चलूँ, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।